बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन, बर्रे सगीर में इस्लाम औलिया किराम की नस्बत से फैला है। दीन मतीन की खिदमत जो बर्रे सगीर में औलिया किराम ने की है, इसकी और कोई नज़ीर नहीं मिलती। और अगर हम बर्रे सगीर के एक तकाबली जायज़े को देखें तो बर्रे सगीर में एक बहुत ही खूबसूरत खिता पोठोहार औलिया किराम की खिदमत से हमें नुमाया नज़र आता है। इस खिते में सादात औलिया किराम ने जो दीन मतीन की खिदमत की, अपने किरदार से लोगों को इस्लाम की जानिब लाए और लोगों को इस्लाम की असल रूह से रूशनास करवाया, हमें इसकी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। मोहतरम नाज़रीन, खिता पोठोहार के चप्पे चप्पे पर अल्लाह ताला के वलियों के मज़ारात हैं और यहाँ पर तसव्वुफ की जो रिवायात मौजूद हैं वो बड़ी मजबूत रिवायात हमें यहाँ पर मिलती हैं। मोहतरम नाज़रीन, यहाँ अगर हम पोठोहार की बात करें तो इस्लामाबाद में हज़रत बरी सरकार का मज़ार है। ताजदार गोलड़ा फ़ातह कादियाँ हज़रत सैदना पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला ले, आपका मज़ार अकदस वहाँ पर मौजूद है। और अगर खिता पोठोहार को हम देखें तो यहाँ पर सादात का मरकज़ चकवाल का एक गांव सैयद है, जिसे सैयद कसरा के नाम से जाना जाता है। और काजमी सादात के जद जो थे वो इस इलाके में तशरीफ़ लाए थे और फिर सादात ने जो यहाँ पर खिदमत की, जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, हज़रत बरी सरकार का ताल्लुक भी सैयद कसरा से ही मिलता है। हज़रत बाबा शाह मुजम्मल सरकार रहमतुल्लाह अलैह और यूं ही फिर हज़रत शाह चंद चिराग रहमतुल्लाह ताला अलैह और हज़रत शाह नज़र दीवान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि जिनका मज़ार अकदस जो है वो सैयद में मौजूद है। मोहतरम नाज़रीन, अगर हम इन्हीं सादात की जो है वो दरगाहों को देखें, इन्हीं सादात की नस्बतों को देखें, इन्हीं सादात के मज़ारात को देखें तो एक खिता पोठोहार की कदीम और बहुत बड़ी दरगाह हज़रत सैयद मौज़्ज़म कलंदर मौज दरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की भी है। आज उन्हीं की ज़ात के हवाले से बात करेंगे, इस दरगाह के तारुफ के हवाले से आपको आगाह किया जाएगा और इस दरगाह की खिदमात जो हैं वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में इसी दरगाह के सज्जादा नशीन, इसी दरगाह के जो हैं वो रूह रवां भी हैं, इस दरगाह के खादिम भी हैं, सैयद बादशाह भी हैं, आज हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत किबला फ़ख्रुस सादात बाबा सैयद आज़म शाह साहब। शाह जी हज़ूर, बहुत शुक्रिया हमें वक्त मरहमत फरमाने के लिए। आप एक पोठोहार की एक कदीम दरगाह और बहुत बड़ी दरगाह जिसने इस इलाके में दीन मतीन की बड़ी खिदमत की, हज़रत सैयद मौज़्ज़म कलंदर रहमतुल्लाह ताला अलैह की दरगाह के सजादा नशीन है, मैं आपसे इस दरगाह का मुख्तसरन तारुफ पूछना चाहूँगा, क्या इरशाद फरमाएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैका आला अली बिन अल हुसैन व आला औलादिल हुसैन व आला सहाबिल हुसैन। आप सरकार से सही मौज़्ज़म कलंदर बादशाह मादरी वली अल्लाह थे, आपके औबादात का तलक आदमी मुशादी कराने से, आपका शजर नसब जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद इमाम कादिम अलैहि सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अल मौके से जा मिलता है। आपका नसब नामा 35वीं पुश्त में हज़रत मौला अली इब्ने अबी तालिब अलैहि सलाम से सुभानअल्लाह। तो आपके अबाजदाद 610 हिजरी में श्रीनगर में तशरीफ़ लाए, तो बादशाह जैन बादशाह ने इब्तदाई तालीम श्रीनगर में हासिल की, इसके बाद आप वहाँ से हिजरत करके चकवाल तशरीफ़ ले थे। 900 हिजरी में आपने इस जाने फानी से पर्दा फरमाया जी। तो बाद में आपकी औलाद जो है वो सैयद कसरा तशरीफ़ ले आए। सैयद कसरा को सानिए करबला भी कहा जाता है, वहाँ की मिट्टी से करबला की मिट्टी की खुशबू आती है। तो सरकार के जो हैं इस्म अली शाह के दोनों बेटे बादशाह नज़र और बादशाह दीवान, ये सैयद कसरा में मकीम है। बादशाह दीवान बादशाह की जो औलाद है सैयद मुजम्मल बादशाह, उनका दरबार जो है एफ अलमन में है, इस्लामाबाद में जी। तो उनके बेटे सैयद गाड़ा बादशाह, वो भी सैयद कसरा में ही बादशाह नज़र और दीवान के दरबार के अंदर ही उनका मज़ार है जी। सही। तो उनके बेटे सैयद वलायत बादशाह, फिर उसके बाद इनके बेटे सैयद अनायत बादशाह और सरकार बादशाह अस्तार बादशाह, जो सरकार सैयद सकी मौज़्ज़म कलंदर बादशाह के वालिद ग्रामी। सही। आप 7 दफ़ा आपने पैदल हज और ज़ियारत की, माशाल्लाह। तो फिर उसके बाद उनके जो हैं बेटे बादशाह अस्तार बादशाह के दो ही बेटे सरकार सैयद सकी मौज़्ज़म कलंदर बादशाह और
बादशाह आजम बादशाह जी जी जी। तो आपका इसमें ग्रामी भी इसी नस्बत से आजम शाह साहब रखा जी, जी। अच्छा 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 जी। शाह साहब आपने मुख्तसरन तारुफ बड़ा खूबसूरत इरशाद फरमाया। मैं पूछना चाहूँगा इस दरगाह की जो खिदमात हैं, इस दरगाह ने जो खिदमत की है उसके बाद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत मौज दरिया बादशाह जो थे, तो उसके बाद जो सजादगान का तारुफ जो है वो भी आप इरशाद फरमाएं। इस तरह के सरकार बादशाह कुर्बान और बादशाह वलायत बादशाह, उन्होंने सरकार से तक मौज़म कदर बादशाह की गोद में परवरिश पाई। तो बादशाह वलायत बादशाह जो है वो लाओलाद थे, उनका मिजाज जो है सरकार से की मौज़म कदर बादशाह के बिल्कुल आगोश में इसी एक गुम्बद में ही। जी जी। तो जो बादशाह कुर्बान बादशाह, उनके चार बेटे हैं, बादशाह अनायत, बादशाह अस्तार और बादशाह वलायत और बादशाह मौज़म। इन्हीं चार बेटों की औलाद जो है वो सारी हमारे जितने भी गदी नशीन है उन्हीं चार भाइयों की औलाद। शाह साहब हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें बड़ी मजबूत रिवायात मिलती हैं। बाबा जी कल्यामी का मज़ार है, हज़रत साईं गुलाम हुसैन कलंदर रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें मौज़म सरकार का ही फैज़ अता हुआ है, यहाँ पर बड़ी मजबूत रिवायात हमें तसव्वुफ़ की मिलती हैं। इस हवाले से आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? सही मौज़म कलंदर बादशाह ने सारी उम्र मतलब फ़करा थे, मादरी वली अल्लाह थे, आपने लोगों के लिए रूहानी तरीके से और माली तरीके से बहुत ज़्यादा खिदमत की जी। तो उसके बाद फिर उसके बाद भी सरकार के बाद भी ये गद्दी का सिलसिला चलता रहा, इसी तरह ही वो रूहानियत की जो सिलसिला था वो उनकी औलाद में भी इसी तरह ही चल रहा है। अच्छा शाह जी, हुजूर आप चूँकि इस दरगाह से आपका ताल्लुक भी है, ये तो आपने उनका सिलसिला नसब पर बड़ी खूबसूरत बात की, मैं चाहूँगा कि सिलसिला तरीकत पर भी आप कुछ इरशाद फरमाएँ कि किस सिलसिले से इनका ताल्लुक। आप सरकार से सखी मौलम कंदर बादशाह का सिलसिला तरीकत सुरवंदिया शाख मुस्तफ़ा शैया से जा मिलता है जी जी। आप शाह अनायत वलायत आप मुजफ्फराबाद, इनके मरीदैन रोशन शाह अल मरूफ शाह चंचलाक आने वाली सरकार रावलपिंडी वाली, इनके मरीदैन गुलाम रजा अल मरूफ शाह दुल्ला शाह आप पेशावर, इनके मरीद सुल्तान अली शाह आप इस्लामाबाद, इनके मरीद बाबा रोशन बादशाह आफ जसोल सईद, इनके मरीद सरकार से मौजूद बादशाह। मतलब ये सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया कलंदरिया की एक मलामती शाख मुर्तजा शाही से हजरत मुर्तजा शाही है बिल्कुल। और ये खिताए पठवा की जो सबसे बड़ी गद्दी है वो सरकार शाह चंचराग आने वाली सरकार जी बिल्कुल सही। शाह साहब आपने सिलसिला तरीकत इरशाद फरमाया, ये एक हकीकत है कि ये फैज़ जो है वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम का फैज़ है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का फैज़ है, मौला अली पाक का फैज़ है। तो मौजज़ा नबी पाक अलैहिस्सलाम से जो था वो सादिर होता था, तो करामात हज़रत साहब की जो थी वो बयान फरमाएं। आप जब आप सरकार से मौज़ूम कंदर बादशाह की 3 साल उम्र थी, तो आप अचानक एक रात मादरे या गोश से जब उनकी आँख खुली तो उन्होंने देखा कि सरकार से मौज़ूम कंदर बादशाह नहीं है। तो उन्होंने आओ बका की उसकी गिरिया सुन के अड़ोस पड़ोस वाले भी जाग गए, लेकिन यह है कि सरकार को कोई करीब करीब कोई पता नहीं चला कि कहाँ है। फिर उसके बाद में काफ़ी टाइम के बाद पता चला कि 2 मील दूर एक रामा, वहाँ भी हमारे एक मरीदैन के घर था तो वहाँ सरकार थे। तो फिर वो दूसरे दिन वो सरकार को लेके आए। अच्छा अच्छा। तो उसके अलावा जो भी सरकार से सखी मौज़ूम कंदर बादशाह के दरबार पर हाजिरी करता है उनमें ज़्यादातर बे औलाद हजरात हैं। एक दफ़ा सरकार की ज़िंदगी में दुरताले के चौधरी फैमिली के खावन बीवी थे, वो सरकार के दर पे हाजिर हुए तो उन्होंने अर्ज़ की कि सखी मौज़ूम कंदर बादशाह हमारे घर औलाद नहीं है। तो सरकार ने वजद में आकर उन्हें कहा कि मैं आपको शेरनी के बेट से एक बच्चा अता करता हूँ बेहक में खुदा। तो उसके पंजे पे ना उसकी पीठ पे पंजे का निशान होगा तो वो किसी मैदान में हारेगा नहीं। फिर बाद में वो मतलब वो जैसे लोग बताते हैं कि वो कबड्डी खेलता था वजन उठाता था वो किसी मैदान में वो चौधरी बारस उसका नाम था मैदान में हारा नहीं। वाँ वाँ। तो उसके अलावा काफ़ी सारी जगह पे सरकार के जहाँ कहीं भी पानी ना होता सरकार के जहाँ कहीं भी आशा लगाया चश्मे आए कुएँ में दुआ की पानी आया तो सरकार और काफ़ी सारे सरकार के मौजूदात जी बिल्कुल जी। शाह जी हजूर ये करामात भी हो गई, मैं चाहूँगा अब आप हजूर के विसाल के मुतालिक, चूँकि बहुत सारी जो है वो लोगों में गलत फहमियाँ पाई जाती हैं उनके विसाल के सन के मुतालिक या तारीख के मुतालिक, तो आप जो इरशाद फरमाएंगे वो ऑथेंटिक होगा मुस्तनद होगा, तो आप क्या इरशाद फरमाते हैं कि हज़रत का विसाल कब हुआ और जो है वो विसाल की तारीख और सन ईस्वी के अतबार से आप जी। सरकार 9 ज़िलहज को
1209 हिजरी पे सरकार ने पर्दा परवाया और सरकार ने अपने जाने की खबर 3 माह पहले बिशारत दे दी थी अपने फकरा को अजीज़ वकारब के बहुत दूर दूर से सरकार के जो हम नसब खुलफा थे वो सरकार को मिलने आए, उनको भी इतला हो गई थी कि सरकार ने कहा कि मैं पर्दा करने जा रहा हूँ, मेरा वक्त करीब आ गया। अच्छा, आपने अलल ऐलान पहले फरमा दिया था जी कि मेरा 3 माह के बाद विसाल हो, हाँ विसाल हो जाएगा। अच्छा अच्छा, तो उस वक्त जो है सरकार की अपनी ज़िंदगी में ही मतलब उन्होंने सरकार ने बता दिया था। उसके बाद 9 ज़िलहज 1290 हिजरी को सरकार ने पर्दा फरमाया, तो ईस्वी कैलेंडर के हिसाब से 28 जनवरी 1874 बरोज़ बुध बनता है उनका विसाल का जी। तो सरकार ने अपनी ज़िंदगी में वसीयत की थी कि हैदर शाह अफ जसोल सईदा से वो मेरा जनाजा पढ़ाएंगे। अच्छा, अच्छा। उन्होंने सरकार का जनाजा पढ़ाया। तो, कहा जाता है कि अहले सुन्नत का जनाजा बाबा जी कल्यामी ने पढ़ाया था जी, मतलब पहले तो वो हैदर शाह ने पढ़ाया, उसके बाद जब वो आए तो उन्होंने फिर दोबारा। अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही। शाह साहब, आपने इरशाद भी फरमाया कि हज़रत का विसाल जो था, विसाल के बाद यकीनन जो एक सिलसिला तरीकत होता है इसमें मुरीदीन का एक सिलसिला कार जो है वो चलता है, हज़रत का कोई खलीफा भी था, इस हवाले से भी इरशाद फरमाए और आपके जो इरादतमंद थे, आपके जो मुरीदीन थे, उनके मुतालिक भी इरशाद फरमाए कि वो हल्का इरादत किन किन इलाकों पर मुश्तमिल था। रवायत के मुताबिक सरकार के जो खुलफा है उनकी तादाद 125 के करीब थी। अच्छा, तो आपके खुलफा के जो है वो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अभी कैम पज़ीर है, उनके दरबार वहीं पर। अच्छा, माशाल्लाह जी। तो आप सरकार सखी मौलम का दरबादशाह के बांझे बाव बोले बार सरकार जिनका दरबार दुरताले में है, उनके बेटे बाव हैदर बादशाह और उनके बेटे बाबा सैयद रियाज़ बादशाह जो हैं एग्जाम्पल, तो मुरीदीन का इरशाद फरमाएं कि किन किन इलाकों में मुरीदीन मौजूद हैं। असल में है इस तरह के उस वक्त जो है जिस वक्त सरकार के उस वक्त हिंदुस्तान एक एरिया था, उसमें अमृतसर और लखनऊ में हमारे मुरीदीन बहुत ज़्यादा थे, पाकिस्तान में भी काफ़ी सारी तादाद थी, ये बाद में जो पार्टीशन होगी तो वो मतलब वो उधर ही रह गए, उसमें काफ़ी सारी जगह पर सरकार के चिलागाह भी हैं जहाँ पे सरकार ने चिल्ले काटे हैं या सरकार के तख्त हैं वहाँ पे सरकार ने डेरा लगाया। तो एक चिल्लागा वो जो मकबूजा कश्मीर में भी एक चिल्लागा है, इसके अलावा हुजूर की चिल्लागा किन किन इलाकों में मौजूद? हाँ जी, सरकार सखी मौलम के अंदर बादशाह की जो चिल्लागा है वो बादशाह चंचलाग वाले चाना वाली सरकार रावलपिंडी में, इसके अलावा बादशाह मुजम्मल बादशाह के दरबार में है, जी शाह नूरानी में है, कश्मीर के मुख्तलिफ काफ़ी सारे मकाम में सरकार की चिल्लागा है। तो जो मेरे दादा हैं बादशाह अस्तार बादशाह वो भी सरकार सखी मौलम कदर बादशाह की औलाद में ही मतलब हमारे शाहजाब वहीं से मिलता जाके, तो उनकी भी बड़ी सादा लो तबीयत नमाजी 5 वक्त के, वो जब ज़ियारात के लिए गए तो पहले से ही वो खबर कर गए कि मैं अब वापस नहीं आऊँगा, मैं ज़ियारत के लिए जा रहा हूँ। तो उस वक्त जैसे ही वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर गए तो पहले उन्होंने सरकार शहज़ादे अकबर का पुरसा दिया मौला हुसैन बादशाह को, फिर उसके बाद उन्होंने दरख्वास्त की हुसैन बादशाह मुझे अपने हरम में जगह दीजिए, तो उसी वक्त आप गश खा के, तो पीछे हमारा एक मलंग था सैयद खालक वो उसने उन्हें संभाल लिया, तो फिर उसके बाद वहाँ के जो हरमैन के खादमेन हैं उन्हें सरकार मौला हुसैन बादशाह का हुक्म आया कि ये जिस आदमी ने अभी मेरे हरम में वफात पाई है इसी हरम के अंदर उसे जगह दी जाए। तो अब वो जो स्तार बादशाह है उनका बिल्कुल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम के अंदर उनकी कब्र मुबारक। अच्छा 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 अच्छा, शाह साहब उर्स के मुतालिक भी इरशाद फरमाएं कि दरबार शरीफ पर दरगाह पर उर्स किन अयाम में मनाया जाता है और कितने दिनों तक मनाया जाता है और तक क्या क्या तकरीबात का इनेकाद किया जाता है? असल में जैसे भी होता है ये कोई भी फकरा जब दुनिया से पर्दा करते हैं तो उनके मेराज होती है, तो वो जिस दिन जिस तारीखों में मतलब पर्दा करते हैं उन्हीं तारीखों में उसकी तकरीबात होती है। तो सरकार ने क्योंकि 9 ज़िलहज को पर्दा किया तो 12 इमामों की निस्बत से सरकार के जो 12 ख़त्म होते हैं 20 ज़िलहज को सरकार की डालियाँ होती हैं, वो पालकियाँ आती हैं और मतलब वो उनके मरीदैन का एक इज्तमा होता है, मतलब सरकार के 9 ज़िलहज से लेकर 20 ज़िलहज तक। बिल्कुल सही शाह साहब, आपने उर्स की तकरीबात के बारे में इरशाद फरमाया कि 9 ज़िलहज से लेकर के तकरीबन 20 ज़िलहज तक जो है वो तकरीबात होती हैं, तो इस दौरान मुख्तलिफ जो है वो मज़हबी जो है वो तकरीबात का आगाज़ किया जाता है, महफिल समा होती हैं, फनकार अपनी जो है वो हाज़िरी पेश करते हैं और आखिरी रोज़ डालियाँ आती हैं,
पोठोहार का कल्चर है डालियों का, बाकी ये हमें चीज़ कहीं और देखने को नहीं मिलती। इस हवाले से जो डालियों का रास्ता अपनाया जाता है, जैसे लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और फूलों की डालियां सजा के लाते हैं, इस हवाले से आप उस रास्ते का जो तायुन किया गया है क्या इरशाद फरमाएंगे? असल में जो है ना, जब सरकार की पालकी जिस जिन राहों पर गुजरती है, जो चक्कर काट के आती हैं, वही रास्ता है जहाँ पर सरकार सखी मौलों के अंदर बादशाह ने जरहरी पापीन से जरहरी पाईखान, ये दोनों गांव थोड़े थोड़े फैसले पे, ये ऐसे सफ़र बनता है जैसे अंडे की शक्ल का है। अच्छा अच्छा, मतलब ऐसे गोल सर्कल में, हाँ जी हाँ, उस शक्ल में जो जिस एरिया पे सरकार ने सफ़र किया है उसी सफ़र में वो पालकी सरकार की चल के उसी सफ़र से आती है। तो फिर उस टाइम पर भी जब सरकार की डालियाँ आती थी तो बाबा जी कलामी इस्तकबाल के लिए स्कूल के वो तलाक के पास, उस वक्त वहाँ पे पौधे होते थे तो काफ़ी देर के लिए इंतज़ार करते सरकार की डालियों का इस्तकबाल करते वहाँ पे। तो उस वक्त अब वही रस्म है, कल्याम के भी काफ़ी सारे जो मलक फैमिलीज के फैमिलीज हैं वहाँ पे आके वो सरकार की डालियों का इस्तकबाल करते हैं। मतलब वो जिस तरीके से पहले से भी रस्म है वही उसी। मोहतरम नाजरीन, आज हमारे साथ दरगाह आलिया जलियारी शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत क़िबला पीर सैयद आज़म शाह साहब मौजूद थे। बड़े खूबसूरत अंदाज में आपने हज़रत मौज़म कलंदर मौज दरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह की हयात पर, स्वाने पर बड़ी खूबसूरत रोशनी डाली, और जो दरबार शरीफ पर तकरीबात का इनेकाद किया जाता है उस हवाले से भी आपने जो है वो खूबसूरत पैराए में अपने जज्बात का इजहार किया। मोहतरम नाजरीन, पार्टीशन से पहले की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा मेला यहाँ इस दरगाह पर लगता था, बड़ी दूर से फ़नकार इस दरगाह पर हाज़िरी देने के लिए फ़नकार भी आया करते थे और लोग भी इस दरगाह पर का रुख करते थे और अपनी मुरादें हासिल किया करते थे। मोहतरम नाजरीन, पुराने बुज़ुर्गों से मैंने सुना है कि अमृतसर से और लखनऊ से बड़े बड़े काफ़िले यहाँ पर आया करते थे और उस इलाके के फ़नकार यहाँ पर तशरीफ़ लाते थे, और यहाँ पर करीबी करीबी जो देहात हैं जिसमें बांड शरीफ भी शामिल है, इसके अलावा जो है कल्याम शरीफ और दीगर जो इलाके थे जलियारी शरीफ के करीबी रमयाल में, इन इलाकों में जो था वो इन फनकारों को ठहराया जाता था। इससे हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी जो थी वो तकरीब होती थी उर्स की, जो इस दरबार पर सजाई जाती थी। तो नाज़रीन, हमेशा से अल्लाह के वलियों ने मखलूक की खिदमत की है, अल्लाह ताला की मखलूक को जो है वो आसानियाँ दी हैं, वो मखलूक चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, उनकी खिदमत करके ये दर्स और ये पैगाम दिया है कि इस्लाम अमन का दर्स है, मोहब्बत का दर्स है, रवादारी का जो है वो इस्लाम हमें दर्स देता है और हमें मिलजुल कर भाईचारा सिखाता है। नाज़रीन, अपने मेज़बान सैयद इरफ़ान अल हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगाह।